नमस्कार दर्शकों, मैं एक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट में, जहां हम देखेंगे सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें। डाकघर में 299 रुपए में होगा 10 लाख का बीमा। महंगे प्रीमियम पर बीमा करवाने में असमर्थ लोगों के लिए डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक विशेष सामूहिक दुर्घटना सुरक्षा बीमा लेकर आया है। इसमें वर्ष में महज 299 और 399 रुपए के प्रीमियम के साथ लाभार्थी का 10 लाख रुपए का बीमा होगा। एक साल खत्म होने के बाद अगले साल यह बीमा रिन्यू करवाना होगा। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लाभार्थी का खाता होना अनिवार्य रहेगा। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल श्री कृष्णा कुमार यादव ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और टाटा AIG के मध्य हुए एक एग्रीमेंट के तहत 18 से 65 वर्ष आयु के लोगों को यह सामूहिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा मिलने का दावा किया है। इसके तहत दोनों प्रकार के बीमा कवर में दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी या आशंकापूर्ण अपंगता, अंग विच्छेद या पैरालाइज्ड होने पर 10 लाख रुपए का कवर मिलेगा। साथ ही साथ इसी बीमा में दुर्घटना से हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान इलाज के लिए 60,000 रुपए तक का IPD खर्च और OPD में 30,000 रुपए तक का क्लेम मिलेगा। वहीं 399 रुपए के प्रीमियम बीमा में सभी लाभों के अलावा दो बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए तक का खर्च, 10 दिन अस्पताल में रोजाना का 1,000 का खर्च, किसी अन्य शहर में रह रहे परिवार के लिए ट्रांसपोर्ट का 25,000 रुपए तक का खर्च और मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 तक का खर्च मिलेगा। इस बीमा सुविधा में पंजीकरण के लिए लोग अपने नजदीकी डाकघर में संपर्क कर सकते हैं। इससे के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने के लिए डाक विभाग की ओर से मिशन सुरक्षा अभियान 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। जीवन बदलने को अपना सकते हैं यह जापानीज मेथड। एक अव्यवस्था मुक्त घर खुशी बिखेरता है और एक जापान का द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस जापानी लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग को कौन मारी कहते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या आप अपने कमरों की सफाई कैसे करते हैं? आमतौर पर लोग कमरे से कमरे में जाते हैं और बिट और कमरे के कुछ हिस्सों को साफ करते हैं। हालांकि कौन मरी तकनीक और आपको श्रेणी में चीजों को देखना होगा और फिर उन्हें व्यवस्थित करना होगा। मिनिमलाइजेशन वह कुंजी है जिसमें आपके रहने की जगह केवल उन चीजों को रखती है जो आपके लिए उपयोगी है। संक्षेप में केवल उन चीजों को रखें जो खुशी को उगलते हुए देखते हैं। मजबूती से चीजों को 5 श्रेणियों में विभाजित करें, जैसे कपड़े, किताबें, पेपर एप्स, कोमोनो, जिसका अर्थ है विविध और भावुक आइटम्स। आपको इस क्रम में इनमें से प्रत्येक श्रेणी का दृष्टिकोण करना चाहिए। ज्यादातर लोग जो कोनमारी तकनीक के बारे में पढ़ चुके हैं, वे इस गुनगुनाने की कला मानते हैं। हालांकि कोंडो इसे एक दृष्टिकोण के रूप में पहचानता है कि आपके जीवन में खुशी जोड़ने के लिए जो कुछ भी बंद हो गया है, उसकी तकनीक से यह पता चलता है कि जो चीज उपयोग नहीं है वह साल भर में खत्म हो जाती है, जो आपके आनंद, शांति और समृद्धि के रास्ते में आ जाती है। एक आदर्श जीवन शैली की कल्पना करें और त्याग करना शुरू करें। एक निश्चित क्रम का पालन करना भी महत्वपूर्ण है और इसलिए कोनमारी पद्धति मूल कपड़े पर एक विशिष्ट तरीके से स्पर्श करती है, जैसे कि कपड़े तह करना आदि। कोनमारी पद्धति का विकल्प चुनने वालों ने कभी जमखोरी नहीं की। यह सिर्फ एक खबर बनाने की कला नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अपने रिश्तों को निभाने और मन मुटाव को दूर करने का एक सुंदर तरीका है। प्रैक्टिशनर अमृता राज सुब्रीमियम, एक लोकप्रिय समूह ममता डायरीज के संस्थापक और ब्लॉगर, कहती है कि उन्होंने अपने कई अनुयायियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। कोनमारी की सुंदरता यह है कि एक यात्रा है जिसे आप जीवन के लिए आन लेना के लिए करते हैं और यहाँ तक कि सभी श्रेणियों से निपटने के लिए आप उसमें प्रत्येक को सुधारने के लिए लगे रहते हैं। मैं आपको यह नहीं बता सकती कि यह कितना चिकित्सीय है। तो आप भी इस द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग यानी कोनमारी मेथड को जरूर अपना सकते हैं।
गेहूं के कम उत्पादन के कारण खाली रह गए इस बार गोदाम। एक दशक में पहली बार सरकारी गेहूं की सबसे कम खरीदी हुई है, इससे सरकारी गोदाम खाली रह गए हैं। इसकी वजह से गेहूं का कम उत्पादन होना और खुले बाजार में भाव अधिक मिलना बताया जा रहा है। गेहूं खरीद प्रभावित होने से सरकारी राशन वितरण प्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। वहीं सरकार ने अभी से मुफ्त राशन योजना में गेहूं की कटौती कर चावल बढ़ा दिया है। गेहूं की खरीदारी के लिए इस बार जिले में 34 क्रय केंद्र स्थापित किए गए थे। अधिकारियों को 2,00,000 कुंतल खरीद का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन जनपद में मात्र 11,158 कुंतल का खरीदारी हुई है। इसे विभाग कर खरीदारी के लक्षण से 1,88,802 कुंतल पीछे चल रहा है। गेहूं की खरीदारी कम होने से पहले ही सरकार की ओर से मुफ्त राशन योजना में उपभोक्ताओं के गेहूं में कटौती करते हुए जून से 3 किलो गेहूं के बजाय उपभोक्ताओं को मात्र 1 किलो गेहूं मिलेगा। वहीं 2 किलो चावल के बजाय 4 किलो चावल देकर गेहूं की भरपाई की जाएगी। गेहूं की कम खरीदारी होने से आने वाले समय में अन्य खाद योजनाओं में भी गेहूं कम किया जा सकता है। सरकार की ओर से खरीदे जाने वाले गेहूं ने पिछले साल सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 2021 में 1,93,440 कुंतल गेहूं सरकारी केंद्रों पर खरीदा गया था, जो सबसे अधिक गेहूं खरीदी माना जाता है। 2020 में भी 61,000 कुंतल खरीदा गया था। तो आज की सुपरफास्ट खबरों को यही विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए देखते रहे MNS News Live, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।